क्या किया मैंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया है तुमने। तुम पूर्णिमा के ऑफिस क्यों गए थे? ओ, तो आपको पता चल गया कि मैं पूर्णिमा से मिलकर आया हूं। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? सब कुछ कह दिया और कह रहे हो कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि आपकी जिंदगी से निकल जाए। क्यों कहा तुमने ऐसा? मैं कई दिनों से देख रहा हूं पूर्णिमा की बात को लेकर आपके और पायल आंटी के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप दोनों की सुलह करवा दूं, इसीलिए मैंने पूर्णिमा से वो कह दिया। तुमने सिर्फ कहा ही नहीं, उसे जलील भी किया, उसके साथ जबान भी लड़ाई, और यहां तक कि तुमने उसे धमकी भी दी कि तुम उसे मार डालोगे। वाह, उसने आपको सिक्के का एक पहलू दिखाया, आप उसकी बात मान गए। उसने क्या कहा ये भी तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं तुमने किस अधिकार से मेरे और पूर्णिमा के बीच में आने की हिम्मत की। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि पूर्णिमा ने किस अधिकार से आपके और पायल आंटी के बीच आने की जरूरत की? देखो, ये मेरा, पूर्णिमा और पायल का मामला है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं, मैं भी तो इस घर का बेटा हूं। ये ख्वाब मत देखो, तुम्हें इस घर में सहारा दिया गया है, तुम हमारे रहमो करम पर पड़ रहे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? 2% के आदमी हो तुम, इस घर के लिए गैर हो। सुमित, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें होश है या नहीं? रहने दीजिए मम्मी, ये बिल्कुल होश में है, बेहोश तो मैं था, आज इसकी बातें सुनकर मुझे होश आ गया है और पता चला है कि गैर कभी अपने नहीं होते। थैंक्स। सुमित, तुमने ये बहुत बुरा किया, उस बेचारे का दिल तोड़ दिया, हमारे इतने दिनों का प्यार और अपनेपन पर तूने पानी फेर दिया। तुम ऐसा कर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती।